नमस्कार किसान भाइयों। दोस्तों काफ़ी दिनों से कमेंट में पढ़ रहा था कि प्याज को लेकर एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें अभी जो वर्तमान में एक रोग फैला हुआ है, जो नासिक सीजन है हमारा प्याज का, काफ़ी बड़े स्तर पर है। दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि अलवर पूरा साफ़ हो चुका है। मध्य प्रदेश में, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आसपास के एरियो से बहुत से ऐसे रिज़ल्ट हमें देखने को मिले हैं कि हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। इतनी ख़राब कंडीशन किसानों की रही है प्याज की इस बार कि हम यहाँ पर बयां नहीं कर पाते। सो किसान भाइयों, इस वीडियो को मैं आज से 15 दिन पहले भी शूट कर सकता था, लेकिन दोस्तों कोई भी चीज़ ऑफिशियली यहाँ पर बताई जाती है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए, उसका परिणाम होना चाहिए। उसके बाद अगर किसान भाई के साथ शेयर करें तो आपका भी पैसा यहाँ पर बचेगा, आपका समय बचेगा और हम जो है अच्छा जो है काम कर पाएंगे। तो पिछले दिनों हमारे एक मित्र है, 15 दिन पहले की बात है, उनके खेत पर एक समस्या बहुत ज़ोर से देखने को मिली थी। ये तो हमने उनको एक प्रोडक्ट यहाँ पर सजेस्ट किया था, अडामा का प्रोडक्ट है, जैसा कि एक फंगीसाइड मैं आपको बताऊँगा, इसमें एक नॉन एंटीबायोटिक बताऊंगा, उसके बाद फिर एक इंसेक्टिसाइड की अपन बात करेंगे। तो ये तीनों प्रोडक्ट जो है उन्होंने स्प्रे किए थे, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उनको मिला है। लेकिन दोस्तों रिज़ल्ट के लिए थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ता है किसान भाइयों को, यानी कि आज अगर स्प्रे करते हैं तो करीबन 5 से 6 दिन बाद या 7 दिन बाद जो है उसके रिज़ल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कौन सा फंगिसाइड देना है, कौन सा एंटीबायोटिक देना है, वहीं कौन सा कीटनाशक जो है साथ में प्रयोग करना है। सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास आए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपको समय से और जल्दी मिल जाए। तो किसान भाइयों, पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ये होता क्यों है। किसान भाइयों, नमी के कारण सबसे ज़्यादा रीज़न देखने को मिला है। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा मौसम का भी प्रभाव इसमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, अगर वातावरण में अगर वायरस कुछ फैलता है तो वह एक बड़े स्तर पर फैल जाता है, वो इस सीज़न में यही हुआ है। यहाँ पर कुछ जो है विषाणु, कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया, वहीं इसके साथ फंगस, ये 3 से 4 प्रमुख कारण रहे हैं इस बार जलेबी रोग आने के। तो यहाँ पर इसका इलाज हमें करना पड़ेगा, क्योंकि फंगस है तो हमें फंगीसाइड तो सबसे पहले देना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अडामा कंपनी का एक ज़मीर फंगिसाइड आता है, काफ़ी अच्छा है, जिसको प्रयोग हमने किया था अभी, और उसके रिज़ल्ट अच्छे देखने को भी मिल रहे हैं, तो आप उसको लीजिएगा। उसके साथ आप बेलीगन जो एंटीबायोटिक के नाम से अडामा कंपनी ने निकाला है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, दोनों का कॉम्बो आप कीजिएगा। और दोस्तों 40 ml 15 लीटर पानी में एक स्प्रे टंकी का डोज यहाँ पर बनेगा, 40 40 ml दोनों का। उसके बाद दोस्तों आप कीटनाशक के तौर पर मैं सजेस्ट आपको करूँगा, घरड़ा केमिकल कंपनी का एक महावीर का फिप्रोनिल आता है, उसको आप डालिएगा, जो हमें 5% SC फॉर्म में मिलेगा, वो यूज़ करना इन दोनों के साथ बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पर कुछ बेहतर रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। वहीं दोस्तों होता यह है कि फंगस है, बैक्टीरिया से जीवाणु हैं, तो इसके कारण हमें फंगिसाइड यहाँ पर डालना पड़ रहा है, जो फंगिसाइड पत्तों पर चिपकना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्प्रे करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि स्प्रे थोड़ा सा आराम से यहाँ पर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक फफूंद नाशी या हम फंगिसाइड इसको कहते हैं, वह पत्तों पर अगर नहीं चिपकता है तो फफूंद और जो हमारी जो फसल है उसके बीच में अगर वो परत लेयर नहीं बना पाएगा, तब तक कोई भी फंगिसाइड, कितना भी बेस्ट फंगिसाइड है, वो प्रयोग में यहाँ पर हमें रिज़ल्ट नहीं देगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इनके साथ एक स्टिकर का प्रयोग जरूर कीजिएगा, एक चिपको का प्रयोग जरूर कीजिएगा, ताकि बेहतर परिणाम हमें मिल सके। वहीं दोस्तों नमी के समय ही इसको स्प्रे करना है, या शाम के समय, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा सेक्रेट होता है यह कि शाम के समय आप स्प्रे कीजिएगा। नमी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, चाहे फंगीसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे हर्बिसाइड हो, इन सभी के जो रिज़ल्ट है वो नमी के समय हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप इन तीनों का कॉम्बो मिला सकते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर नहीं था कि अडामा कंपनी ने मुझे स्पेशली यहाँ पर बोला है,
इसका प्रयोग करके हमने देखा है, तब जाके आप सभी किसान भाइयों से जानकारी शेयर की। और दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छा हमें लगता है, उसका रिजल्ट अगर आता है, तो हम किसान भाइयों को ज़रूर बताते हैं। तो किसान भाइयों, उम्मीद करूँगा कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आप अगर स्प्रे करते हैं और 8 दिन बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो रिज़ल्ट आपको कैसा मिला, ताकि हम जो है इसका पूरा परिणाम जो है कंपनी को भेज सके। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई और लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।